धमाकेदार एक्शन से जुड़े रहने के लिए डिशम फिल्म्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। स्वयंवर में जा रहे हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन वहाँ जाते ही किसी ने मुझे पसंद कर लिया और मेरे गले में वरमाला डाल दी। तो अच्छा, अपना मुँह देखा है, मनुष्य की आशाएं कितनी बड़ी होती है। कद तो इतना छोटा है मगर आशाएं कितनी बड़ी। अरे औरतों के मुँह नहीं लगते बड़े भैया। उसके लिए कोई नई बात नहीं है।
वामनपुरी राज्य में आप सभी का स्वागत है। वामन साम्राज्य से संबंधित 28 प्रदेशों से आए हुए सभी राजा महाराजाओं से हमारी ये विनती है कि वो अपना नाम, गांव का अता पता, पूरी जानकारी हमारे इस राज्य के महामंत्री या सेनापति को लिखवा दें। यही राजकुमारियाँ है क्या? ये राजकुमारियाँ नहीं, राजकुमारियों के दासी हैं। तुम्हारी बात पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। अगर दासियाँ इतनी सुंदर है तो राजकुमारियाँ कितनी सुंदर होगी। मुझे कोई नहीं हरा सकता, जितना मेरी आदत ही बन चुकी है। मेरे डोलों पर नजर डाल रहे हो? ज्यादा मत बोल, जो जीतेगा वही वीर कहलाता है। अब तो देख, मैं अभी दिखाता हूँ वीरता। वीरों की धरती के बारे में तो सुना ही होगा। अगर उस धरती पर किसी वीर ने जन्म लिया है तो वो पराक्रमी वीरों का वीर सिर्फ गजेंद्र है। इस राज्य में ही नहीं, संसार के किसी भी कोने में तुम लोग दिया लेकर भी ढूंढोगे तो एक ही वीर मिलेगा, और वो और कोई नहीं, यही गजेंद्र है। मानते हो या नहीं? हाँ, क्या कह रहा है तू? भी इसी का पक्ष ले रहा है? तूने मेरा असली रूप अब तक देखा कहाँ है गजेंद्र? तू मुझे मारेगा? अगर मेरा दिमाग घूम गया तो मैं तेरे मुंह में हाथ डालकर अंतड़िया खींच लूंगा। तब तक मैं तेरा मुंह देखता नहीं रहूंगा। 10 लोगों को पास रखकर वीरता की बात करता है, तू राजकुमार है क्या? हर वर्ष 20,000 तोला सोना इस वामनपुरी राज्य को अब तक देता आ रहा हूँ मैं। मैं महाराज से नहीं डरता तो तुझ जैसे भिखारी से क्या डरूंगा? तू तो मेरे पैरों की धूल समान है। क्या कहा तूने? अरे बेचारा राजा का बच गया बाजा। रुको, संसार के सर्वशक्तिमान वीर गजेंद्र को अगर साक्षात भीम की सेना भी आ गई तो भी हिला नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि वो मेरे शिष्य हैं। वामनपुरी साम्राज्य की राजकुमारियां पधार रही हैं। सावधान, सावधान। एक गजेंद्र है, उसके बारे में बात कर रहे थे और वो आ भी गया। ओहो, क्या बात कर रहे थे? मेरी सुंदरता के बारे में बात कर रहे थे ना? जब देखो मजाक करते रहते हो। रहने दो, एक साथ में सब नहीं खा पाऊंगा, इसलिए राजमहल में आकर मैं सबसे प्रसाद ले लूंगा। तुमसे विवाह करने के लिए हम चारों उत्सुक है। तुम किससे विवाह करोगे? सिर्फ चारों से नहीं, मैं तो इस राज्य की 5 राजकुमारियों से विवाह करने के बारे में सोच रहा हूँ। हे भगवान! पर उनमें से सिर्फ एक ही मेरी महारानी बन सकती है। वो कौन है? वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। राधा कहाँ है? कौन महारानी बनेगी पता चल गया? छे, अब तुम चारों साथ में हो ना, पर राधा साथ नहीं है इसलिए पूछा, और कोई बात नहीं है। चलो चलते हैं। हाँ हाँ। राजकुमारी, आपने राजकुमार गजेंद्र की वीरता के बारे में सुना? क्या? धर्मसेन राजा के साथ उनकी लड़ाई हुई और उन्होंने उसे हरा दिया, पता है? गजेंद्र कौन है? वो मेरा शिष्य है। तुम कब आए? अभी अभी। स्वयंवर में राजकुमार गजेंद्र ने भी भाग लिया है, आपको वहाँ होना चाहिए और आप यहाँ चित्र बना रही है। सब कहते हैं कि आपके लिए राजकुमार गजेंद्र ही उत्तम वर है। मुझे इतनी जल्दी विवाह नहीं करना है। जो ऐसा बोलते हैं उन्हीं को ज्यादा जल्दी होती है। तुम जैसा समझ रहे हो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। ये बात मैं कई लड़कियों के मुंह से सुन चुका हूँ। तुम चुप रहो। राजकुमारी, स्वयंवर में सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। मलिका, उम्र चढ़ूं क्या? क्या कहा? मतलब कंधे पे बैठ के इनका श्रृंगार कर। मेरा श्रृंगार करने को कहा तो हुलिया बिगाड़ दिया, अब राजकुमारी का हुलिया बिगाड़ेगा क्या? चुपचाप बैठ, नहीं तो कीड़े की तरह मसल दूंगी। आप ये किसका चित्र बना रही है? राधा कृष्ण का। कौन है ये राधा कृष्ण? तुम अपनी बकबक बंद करोगे? राजकुमारी ने कृष्ण को कितना लंबा और सुंदर बनाया है, दिखने में खूबसूरत लग रहा है। भगवान और शैतान दोनों ही लंबे होते हैं, किंतु सभ्यता से तो सिर्फ हम इंसान ही जीते हैं। है ना राधा? आप यहाँ कैसे? तुम्हारी याद आ रही थी, मेरी ओर से ये तुम्हारे लिए। और ये जो कृष्ण है ना, मेरी जानकारी के अनुसार
मुझसे भी छोटा है ऐसा सुना था। आप जिसकी बात कर रहे हो वो बाल कृष्ण थे। राधा तुम मेरा चित्र बनाओ, तुम्हारा कृष्ण मैं हूँ। तुम्हारा चित्र भी सुंदर बनेगा और पति का चित्र बनाया है जानकर सम्मान भी मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं, मेरे कमरे में पुरुषों का आना मना है, ऐसा महाराज ने आदेश दिया है। मामा! क्या कहा? मामा? मामा नहीं, मैंने मामा जी कहा, मैं उन्हीं से बात कर लेता हूँ। हम कुछ नहीं सुनेंगे, हम इस राज्य के राजा हैं। हम तुम दोनों के साथ क्या करते हैं ये पूछने का अधिकार किसी को नहीं है। अब हम जो कहने जा रहे हैं वो तुम दोनों कान खोल कर सुनो। इस वामन साम्राज्य में सबसे लंबे पुरुष हम ही हैं। एक बात जान लो, हम इसी कद में रहकर दासियों को रानी बनाएंगे या रानियों को दासी बनाएंगे। एक साधारण स्त्री को भी हम अपनी रानी बनाकर उसका सत्कार करेंगे। क्या कर लोगी तुम दोनों? वही तो यहाँ हो रहा है। आपका मन किया तो आप मुझे दासी बनाएंगे क्या? महाराज ये सरासर अन्याय है। दो पत्नियों के होने से यही दशा होती है, इसके लिए हम क्षमा मांगे क्या? मैं किसी से क्षमा क्यों मांगूं? महाराज ने मेरे साथ विवाह इसीलिए किया क्योंकि उनका पूरा जीवन सुख से कटे। आपने सुना ये क्या कह रही है? एक ही समय में आपको मैंने तीन बच्चे नहीं दिए हैं क्या? हम मना कर रहे क्या? हमें कष्ट दिए बिना तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया, हम ये भूल जाए क्या? मुझमें क्या कमी थी? मैंने भी तो आपको दो सुंदर बच्चे दिए। हाँ बाबा पैदा करने दिए, हम मना कर रहे हैं। किंतु मुझे एक संदेह है। उनके पिता नहीं है क्या? यही तो मुझे अच्छा नहीं लगता, उस मल्लिका को देखते ही आपका हाव भाव बदल क्यों जाता है? बैठ बैठ कहा ना। ये क्यों था पता है? महाराज पर संदेह करने के लिए। तू भी बैठ, मैंने कहा बैठ जा। ये किस लिए था पता है? महाराज की बात पर हंसकर उनका अपमान करने के लिए। आप कुछ भी कहते हैं मैं सुनती नहीं क्या? गजेंद्र का विवाह मेरी किसी भी पुत्री के साथ करवाना। किसका विवाह किसे करवाना है हमें मत सिखाओ। राजकुमार गजेंद्र का विवाह आप मेरी पुत्री से करवाएंगे ऐसा आपने मुझे वचन दिया। फिर से नीचे बैठकर खाना है? नहीं। मुझे उठाओ उठाओ, कहा गुस्से में आकर मुझे फेंक मत देना। आपको मेरी गोद में देखकर बहुत से लोगों को जलन होती है। क्या करें, हमारी उम्र भी ज्यादा हो गई है। कितनी देर हो रही, अभी तक राजकुमार या नहीं आई? मैं भी अभी तक वही सोच रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आई। आप सभी महानुभावों का स्वागत है। इस वामनपुरी राज्य की पांच राजकुमारियों का आज यहाँ स्वयंवर आरंभ होने जा रहा है। इस मंडप में राजकुमारियों का स्वागत है। किसे देख रहे हैं? हमारी पुत्रियों को या मल्लिका को? सामने थप्पड़ खाना है क्या? नहीं। वामनपुरी की पांच राजकुमारियों के लिए उनके योग्य अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों से हमारे महाराज ने अति उत्तम और प्रतिभाशाली वरों का चुनाव किया है। वो भाग्यशाली कौन है ये स्वयं हमारे महाराज आपको बताएंगे। हमारे पूर्ण वामन साम्राज्य के 28 प्रदेशों से आए हुए राजा महाराजाओं का अति पराक्रमशाली राजाधिराज यहाँ उपस्थित सभी वीरों का वामनपुरी में स्वागत है। इस राज्य की राजकुमारियों के लिए, हमारी पांचों सुपुत्रियों के लिए उनकी योग्यता अनुसार हमने पांच पराक्रमी वरों का चुनाव कर लिया है। हमारी ज्येष्ठ पुत्री माधवी के लिए गदा युद्ध में भीम को भी चुनौती देने वाले, तलवारबाजी में जिनके समक्ष कोई नहीं टिक सकता, हमारे मणिपुर के राजकुमार जय कुमार को हमने चुना है। हे परमेश्वर, पता नहीं क्या संकट आने वाला है। दादाजी, हाँ, राजमहल में जो शुभ कार्य हो रहा है तुम लोग वहाँ नहीं गए? उन लोगों ने आपको नहीं बुलाया तो हम वहाँ क्यों जाएं? ऐसा नहीं कहते बेटी, तुम राजकुमारियों की सहेलियाँ हो, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। वो तो सब ठीक है, किंतु आप जैसे सोच विचार राजकुल के किसी भी सदस्य में है क्या? हमें वहाँ जाने की इच्छा नहीं है। जहाँ सम्मान ना मिले वहाँ हम क्यों जाएं? स्वयंवर का कार्यक्रम अब कुछ क्षणों में समाप्त होने वाला है। चारों राजकुमारियों के लिए योग्य प्रतिभाशाली वर चुन लिए गए हैं। अब अंत में नृत्य कला में लोकप्रियता प्राप्त करने वाली इस वामनपुरी साम्राज्य की अति निपुण हमारी छोटी पुत्री राधा, उसके लिए चुना गया वर और कोई नहीं,
पराक्रमशाली, युद्ध भूमि पर सबको पराजित करने वाला शूर वीर धीर, शत्रुओं को मारकर साम्राज्य की रक्षा करने वाला वामन साम्राज्य का अभिमान, सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान गजेंद्रनाथ भविष्य सम्राट। गजेंद्र की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पूर्णिमा के दिन हम सबका विवाह निश्चित करते हैं, तब तक इस वामनपुरी में हम जश्न की घोषणा करते हैं। समाज को मिल गया परमित भीषण मवाज अपन प्यार को, जोड़ी यारा तेरी मेरी ऐसी होगी लोग कहेंगे वाह 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 वाह। आ गए मिलन के दिन, प्यार के खिलन के दिन, दिन ये आज का भूलेगा ना कभी दिल। आओ बता देते हैं आज हम समाज को, मिल गया परमित भीषण मवाज अपन प्यार को। गए मिलन के दिन, प्यार के खिलन के दिन, दिन ये आज का भूलेगा ना कभी दिल। आओ बता देते हैं आज हम समाज को, मिल गया परमित भीषण मवाज अपने प्यार को। गए मिलन के दिन, प्यार के खिलन के दिन, दिन ये आज का भूलेगा ना कभी दिल। आओ बता देते हैं आज हम समाज को, मिल गया परमित भीषण मवाज अपने प्यार को, जोड़ी यारा तेरी मेरी ऐसी होगी लोग कहेंगे वाह 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 वाह। आ गए मिलन के दिन, प्यार के खिलन के दिन,
ये आज कहा भूलेगा ना कभी दिल, आ गए मिलन के दिन प्यार के खिलन के दिन, दिन ये आज कहा भूलेगा ना कभी दिल, आ गए मिलन के दिन प्यार के खिलन के दिन, दिन ये आज कहा भूलेगा ना कभी दिल। पानी, पानी। अबे इतनी देर पानी में रहकर तेरा जी नहीं भरा क्या? अब भी पानी पानी क्यों कर रहा है? मेरा गला सूख गया है, बहुत प्यास लगी है यार। इतना सारा पानी ये पीना? अरे ये पानी पिया जा सकता है? छे तो क्या तुझे मिनरल वाटर लाके दूं? वाटर ही तो मांग रहा हूँ, वाटर थोड़ी ही मांग रहा हूँ। हम मरते मरते बचे, इस बात का शुक्र मना साले। अरे कौन सा घर पहुंच गए जो शुक्र मनाऊं? अच्छा हरी और अपने सब साथी कहाँ होंगे? पता नहीं, जिस तरह हम बच गए भगवान करे वो भी बच जाए। मेरी माँ हमेशा कहती थी धरती पर ही रहे, आसमान में उड़ने का ख्वाब मत देख। मैंने सुना नहीं, अब देख क्या होगा। अपनी माँ की बात सुनकर तू घर पर ही बैठा रहता तो ये नजारा कैसे देख पाता? जरा उधर तो देख। ये क्या, दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है यार। सुनामी में फंसे लोगों को बचाने के लिए हम निकले थे, शायद यहाँ भी सुनामी आया होगा। वैसे तुझे क्या लगता है, कहीं ये अंडमान निकोबार आइलैंड तो नहीं? छे छे, अंडमान हो या अंडरवियर हो हमें क्या लेना देना। बहुत भूख लगी है यार, चल थोड़ी पेट पूजा करते हैं। वहाँ अंदर हमारे लिए खाना बना कर रखा होगा और स्वागत के लिए लोग बैठे होंगे, एक दूंगा कान के नीचे। हे भगवान कृष्ण मुरारी, वो यहाँ आकर तेरी मदद नहीं करने वाले। सैनिकों, समुद्र से पीछा जा रहे हैं, हमें हर हाल में उन्हें यहाँ आने से रोकना होगा। वो आ गए तो वामनपुरी का सर्वनाश हो जाएगा, वो जहाँ भी दिखे उन्हें खत्म कर देना। यहाँ मत आओ, वापस चले जाओ, अगर यहाँ पैर रखा तो अपने प्राण खोदोगे। वो लोग तो आगे बढ़ते ही आ रहे, शायद वो किसी मकसद से आ रहे। मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ, अगर यहाँ पर पैर रखा तो यहाँ से जीवित नहीं जाओगे। हाँ ए चंदू, वहाँ देख सब बौने लोग हैं यार, यहाँ से वापस चले जाओ। ये वो देखो अपने गौतम और मोहम्मद, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम अपने प्राण खो बैठोगे। गौतम, वो हमसे ही बात कर रहे हैं। मोहम्मद तुम बात करो। हेलो, हमारी बात सुनिए, हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश होकर समुद्र में गिर गया, हमें बचाइए। बचाइए, उनकी बात मत मानिए, ये उन पिशाचों की कोई चाल है। ए, यदि जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। हिंदी बोल रहे हैं, मतलब हम लोग हिंदुस्तान में ही है। हा? हिंदी बोल रहा है, ये कौन सा आइलैंड है पता है क्या? मैप नहीं, मैं उनसे पूछ कर आऊँ क्या? मैप क्या, मुंह तोड़ दूंगा, मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ। तू उनसे जाकर पूछेगा क्या? उस साले बटले ने क्या कहा सुना नहीं? वो मोहम्मद और गौतम को पिशाच कह रहे हैं। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारा यकीन कीजिए, हम 3 दिन से आइलैंड ढूंढ रहे हैं और थोड़ी देर पानी में रहे तो मर जाएंगे, हमारा यकीन कीजिए। आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं, हम पिशाच नहीं है, हम तरह साधारण मनुष्य हैं। अगर तुम लोगों के कदम यहाँ पर पड़े तो हमारे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा, वापस चले जाओ यहाँ से। हम वापस नहीं जा सकते, हमारी मदद कीजिए, हमें वापस जाने का रास्ता नहीं पता, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारी मदद कीजिए। नहीं जोसेफ, हम मत जाओ, उन्होंने हमें देख लिया तो हमें भी मार डालेंगे। सैनिकों, इन पिशाचों को बांधकर ऊपर लटका दो, यदि दूसरे पिशाच यहाँ आएंगे तो उनके लिए सबक होगा। Ah!
पहरा देंगे। और भी पिशाच आ सकते हैं, आए तो उन्हें भी मार कर इनके साथ लटका देना। बाकी सैनिक मेरे साथ चलो। हमारे गौतम और मोहम्मद को कितनी बेरहमी से हमारी आंखों के सामने मारा। ऐसी भयानक मौत मरने के लिए बेचारे इतनी मुश्किल से यहाँ आए थे क्या? भगवान का शुक्र मानो कि हम उनके हाथ नहीं लगे, नहीं तो वो हमें भी मार कर उल्टा लटका देते। ए, ए, अपना हरि कहाँ है? राम और श्याम भी नजर नहीं आ रहे। वो देख हरि आ रहा है, वो तीनों सामने खड़े हैं। वो देख और एक पिशाच। हमें हरि को बचाना होगा। हाँ, इसके बारे में हमें राजकुमार को बताना चाहिए। उन्हें बुलाओ, मैं इसे पकड़। ए चंदू, वो जाल ले आ। हाँ, इसे पकड़ो। छोड़ना नहीं, याला मार दो। हरी हरी, हाथ दे रमेश, संभाल कर। कुछ नहीं होगा हरी, तुम ठीक। अपने राम और श्याम कहाँ हैं? पता नहीं, यहाँ बैठो। रमेश भाई, ये क्या? मोहम्मद, गौतम, हम उन्हें नहीं बचा सके। यहाँ सब बौने लोग रहते हैं, उन्होंने हमारे दोस्तों की जान ले ली। अरे, लगता है वो लोग फिर आ रहे हैं। चलो यहाँ से। चंदू, क्या? चल, हाँ, आ रहा, जल्दी चल, जल्दी भागो, जल्दी कर। अरे यार, अपनी किस्मत में जो लिखा होता है ना, वही होकर रहता है, इसलिए अपने साथ ऐसा हुआ, पता है? अरे अपनी बकवास बंद कर, मेरे लिए खाने का इंतजाम कर, भूखे पेट और चला तो चकरा कर गिर जाऊंगा। खाने का इंतजाम नहीं हो रहा, पीने के लिए पानी कहाँ से लाऊं? तो अब क्या होगा? अबे एक क्वार्टर तो साथ में ले आता। अरे क्वार्टर की तैसी, ये आवाज कैसी है? अरे यार, जंगल में मोहिनी और मल्लिका आके गाना गाएंगी क्या? गधे की आवाज जंगली जानवरों की है। जंगली जानवर? ए, खाना मत, खाना मत। क्यों यार? जहरीले हैं। सारे अपनी जात दिखा दी, मुझे भी दे ना। नहीं दूंगा। अबे मुझे भी भूख लगी है, गुटली तो दे। तुझे गुटली दूंगा तो मैं क्या करूंगा? जल्दी चल 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 जा। ना? अरे आ रहा हूँ यार। तू इतनी जल्दी कैसे चढ़ गया? तूने कहा था तेरा बाप बैंक मैनेजर है, कहीं स्पाइडरमैन तो नहीं था? ए, मेरे बाप के बारे में कुछ मत बोलना। हाँ, तेरा बाप बिल गेट्स है ना? ए, चुप कर, समंदर में फिर से जाएंगे तो डूब कर मर जाएंगे, और इस जंगल में हमारा पता नहीं कब क्या हो जाए। मुझे विवाह नहीं करना है, कहा तो भी भैया मान नहीं रहे हैं। सोचा था शेर आएगा, ये तो दो हिरने आ रही है। हमारा विवाह होने से पहले भैया का विवाह हो जाए तो अच्छा रहेगा। विचित्र आवाज आ रही है ना? कोयल होगी। ए, वो दोनों लड़कियाँ हिंदी बोल रही है यार। हाँ? तो सुन रहे कि नहीं? हाँ? मतलब ये अपना ही देश। हाँ है यार, भगवान ने उन्हें हमारे लिए भेजा। हाँ? है। हाँ? तोता मैना को लेकर भाग जाता है, पता है? ये लोग हमें देखकर भूत भूत चिल्ला रहे हैं। हमारी बात मान लीजिए, हम इंसान है, भूत नहीं। हाँ, हमारा विश्वास कीजिए। नहीं, मुझे विश्वास नहीं। लेकिन नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है। देखो, अब विश्वास करोगी? ये है मेरे पैर, मैंने उसे मारा ना, वो गिर गया ना। भूतों के पैर नहीं होते, लेकिन मेरे पैर हैं, मतलब मैं इंसान हूँ। साले, मेरे भी पैर हैं, मतलब मैं भी इंसान हूँ। मैं गीता पर हाथ रख कर कह रहा हूँ, हम दोनों भी इसी देश के हैं, इसीलिए तो आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं वो वामनपुरी की भाषा है, हिंदी नहीं। वामनपुरी? वामनपुरी
क्या यार, पानी पूरी भेलपूरी बोल रही है, कहीं हम इंडिया से निकलकर अफ्रीका या यूरोप तो नहीं पहुंच गए? अबे चुप कर, ये इंडिया ही है, बांद्रा की खाड़ी और जुहू बीच यहीं कहीं होगा। हाँ करेक्ट। अरे मेरी माँ, पहली बार इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखकर देवी माँ समझकर बोल रहा हूँ। हम इंडियन नेवी में काम करते हैं, सुनामी में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए अंडमान जा रहे थे, अचानक हमारा हेलीकॉप्टर समंदर में गिर गया, लोगों को बचाने निकले थे खुद यहाँ आकर फंस गए। हम बड़ी मुश्किल से पानी से बचकर जमीन पर आए हैं, भगवान के लिए हमारा विश्वास कीजिए। तुम लोग भूत ही हो। अरे यार, अब इन्हें कैसे समझाएं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बंदरों की एक्टिंग करके दिखा दे। अरे ये तो भूत नहीं है, ये तो बंदर है। अरे देवियों, हम इंसान हैं। आप दोनों इतने लंबे कैसे हैं? अगर हमें लंबा कह रही हो तो अभिषेक अमिताभ बच्चन खल्ली की क्या कहोगी? हम लोगों की तरह इस गांव में दूसरा कोई लंबा नहीं है क्या? हमारे वामनपुरी द्वीप में सभी बौने ही हैं, लंबे लोगों को हम पिशाच मानते वैसे हैं। तुम दोनों भी लंबी हो, मतलब तुम दोनों भी पिशाच हो क्या? अरे मेरा मतलब हमारे गांव के पुरुष बौने मतलब हैं। मतलब अगरबत्ती के साइज की औरतें और माचिस की तीली की साइज के मर्द। क्या बात, चलो चलो पकड़ो उन्हें, मार डालेंगे। भैया और सैनिक आ रहे हैं, जल्दी चलो। तुम लोगों को देखा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब क्या करें यार, अब मुझे क्या पता, वहाँ झाड़ियों के पीछे छुप जाएंगे। नहीं तो हमारा खीमा बना देंगे। उन्हें छोड़ना मत, पूछेंगे तो कुछ बोलना मत। रुक जाओ। क्या हुआ भैया, इतने लोगों के साथ आप कहाँ भागे जा रहे हैं? दूसरे देशों से हमारे गांव में बहुत से पिशाच घुस आए हैं, उनमें से दो पिशाचों को हमारे राजकुमार गजेंद्र ने मार दिया। सूचना मिली है और भी पिशाच यहाँ छुपे हैं, इसलिए महाराज ने आदेश दिया है कि सभी दिशाओं में हम पहरा दें। तुम्हें पकड़ेंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा? तुम लोग घर जाओ, चलो चलो चलो, चारों दिशा में फैल जाओ। हमें उन लोगों से बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बुरा ना माने तो एक एहसान और कर दीजिए, 3 दिनों से हम भूखे हैं, अगर हमें कुछ खिला देंगे तो हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। देखिए मना मत कीजिए प्लीज। इन्हें देखकर बड़ी दया आ रही है, क्या करें? कुछ तो करना होगा। चल खाने का बंदोबस्त हो गया। चल चल। अब गंधर्व के मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है? राजकुमारी, राजमहल में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गंधर्व के मंदिर में जाना चाहिए, नहीं तो उस कार्य में बाधा आ जाती है। हे भगवान, उन्हें साधारण मत समझो, गंधर्व के आशीर्वाद से ही आज भी हमारा देश सुरक्षित है। और इतना ही नहीं, गंधर्व को सुंदर कन्याएं बहुत पसंद है। इतना ही तुम जानती हो। देवी माँ, ये यहाँ क्यों आई है? किसी भी पुरुष को गंधर्व के मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, यदि कोई जाएगा तो उसका सर फट जाएगा। ये अंधविश्वास या कोई कहानी नहीं बल्कि सत्य है। आज से ठीक 1000 वर्ष पहले इस द्वीप के महाराज की एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी, गंधर्व से प्रेम करता था। ये समाचार उस राजकुमार के कानों तक पहुंच गया जो महाराज की पुत्री से विवाह करने वाला था। फिर उसने क्या किया पता है? गंधर्व को यज्ञ कुंड में झोंक कर उसे जलाकर भस्म करने के लिए एक मंत्रवादी को बुलाया, और ये जब राजकुमारी को पता चला तब गंधर्व को बचाने के लिए मंत्रवादी से उसने मूल मंत्र सीख कर वो मंत्र गंधर्व को सिखा दिया। उसके बाद वो गंधर्व को कुछ नहीं कर पाया, किंतु क्रोध में आकर गंधर्व ने इस देश के सभी पुरुष छोटे बन जाएं, बौने बन जाएं, अघोर बन जाएं, ऐसा श्राप दे दिया। उस दिन के बाद से इस राज्य का नाम वामनपुरी राज्य हो गया। राजकुमारी ने गंधर्व के प्राण बचाए, इसीलिए गंधर्व ने वचन दिया कि 1000 वर्ष यहाँ की रक्षा करूँगा, और ये भी कहा कि 1000 वर्ष पूर्ण होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आज 1000 वर्ष पूर्ण हो गए। 1000 वर्ष पूर्ण होते ही क्या सारे पुरुष फिर से लंबे हो जाएंगे? सच्चे मन से प्रार्थना करने से ऐसा हो सकता है, और तुम जैसी तरुण कन्याओं की प्रार्थना गंधर्व अवश्य सुनते हैं। मैं अभी जाकर उनसे प्रार्थना करूंगी। चलिए राजकुमारी, अभी तो अभी कुमारी हूँ, मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं जवान हूँ। रुको रुको रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सर फट जाएगा ना, इसलिए तुम लोग यहीं रुको। आइए राजकुमारी। इस मंदिर में कितने वर्षों से पूजा नहीं हुई है, ये जगह कितनी सुंदर है, ये मंदिर के अंदर कितनी सुगंध आ रही है। ए, ये सुगंध मोगरे जैसी नहीं लगती क्या? ये गंधर्व की सुगंध है। गंधर्व, हमारी मनोकामना पूरी करना। Thank you.
देखे हो मलिका? सच में गंधर्व इतने लंबे हैं क्या? मैंने भी थोड़ी उन्हें देखा है, मैंने तो सिर्फ उनके बारे में सुना है। सोचा था इधर सेफ रहेंगे, पर यहाँ भी खतरा है। बातें मत करो, उन्होंने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। गंधर्व जी, आप ही मेरी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। फल मिठाई सब कुछ रख दिया है, इसे स्वीकार करके हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। गंधर्व जी के बारे में बताते समय ये किसी राजकुमारी से प्रेम करते थे ऐसा दादी माँ हमें बता रही थी ना, उस राजकुमारी की मूर्ति भी यहीं कहीं पर होगी। आओ चलकर देखते हैं। नहीं, मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है, चल हम चलकर देखते हैं। हम सब साथ है ना। हे गंधर्व, मुझे एक अच्छा सा वर देना। तरुण कन्याओं की प्रार्थना आप झट से सुनते हैं और पूरी करते हैं ऐसा मैंने सुना है। मेरी उम्र की सभी कन्याओं का विवाह हो गया है, किंतु मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मेरा विवाह नहीं हो पा रहा? मेरी उम्र कुछ ज्यादा तो नहीं है, इस वर्ष केवल 40 की हो जाऊंगी। मुझे भी औरों की तरह अपने पति को गोद में उठाकर घूमने की इच्छा होती है। महाराज बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, यदि उनसे मेरा संबंध जुड़ गया तो मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं आपसे कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रही हूँ, क्या आप मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? महाराज से कहकर मैं आपके लिए एक बड़ा सा मंदिर बनवाऊंगी। अरे, यहाँ फल और मिठाई रखी थी, वो सब कहाँ गई? हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, आपने मुझे पूरे मन से आशीर्वाद दे दिया। हे भगवान, मैं क्या कहूँ, किससे कहूँ? राजकुमारी जी, गंधर्व जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। राजकुमारी, कितनी सुंदर मूर्ति है ना। ऐसी मूर्तियाँ यहाँ और भी होगी, आओ चल कर देखते हैं। नहीं राधा, घर चलते हैं। ओ गजब हो गया, गंधर्व जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। हे भगवान, क्या कहूँ, क्या कहूँ? मल्लिका, मैं गंधर्व के सामने खड़ी होकर अपने लिए एक अच्छे से वर की प्रार्थना कर रही थी, तब अचानक मल्लिका कहकर आवाज आई। साक्षात गंधर्व थे मेरे सामने। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और उसके बाद प्रसाद लेकर चुपचाप चले गए। झूठ मत बोलो। हे भगवान, मैं और झूठ, ये सब सच है क्या? माना कि पूरा सच नहीं है, लेकिन आधा तो सच है ना, विश्वास नहीं होता तो आइए मेरे साथ। आइए आइए, फूल को तो छोड़, इसे देखकर लगता है ये टोकरी भी खा जाएगा। रमेश भाई, अरे बाप रे, भागो। अरे चल, अरे राजकुमारी कहाँ चली गई? राधा कहाँ गई? राधा, राजकुमारी, हाँ राधा, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। राधा, ये किसके दौड़ने की आवाज थी? हाँ आवाज तो आई। हे भगवान, फिर से मोगरे की सुगंध आ रही है। मोगरे की नहीं, गंधर्व की सुगंध है। हे गंधर्व, हमें कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी रक्षा करो। अचानक से शरीर ठंडा पड़ गया है ऐसा लग रहा है ना? तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ही लग रहा है। हे भगवान, ये उनका ही काम है। किसका? गंधर्व का। डराओ मत, मैं पहले से ही डर रही हूँ, ये अवश्य तुम्हारा भ्रम है। तो फिर सारा प्रसाद किसने खाया होगा? पता नहीं। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो हम सब चलते। राजकुमारी चलो ना, चलो चलो चलो। राजकुमारी, राजकुमारी, चिल्लाइए मत, बिल्कुल मत चिल्लाइए। मैं गंधर्व नहीं हूँ, मैं भी आप जैसा इंसान हूँ, यह अपनी जान बचाने के लिए छुपकर बैठा हूँ। हमारे साथ आए हुए दो लोगों को आपके आपके लोगों ने मार दिया, मुझे देखेंगे तो मुझे भी मार देंगे, मेहरबानी करके उन्हें कुछ मत बताइए। आप ऐसे मत देखिए, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मेरा नाम हरि है, इंडियन नेवी में हेलीकॉप्टर पायलट हूँ। आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा? नहीं गंधर्व। हे भगवान, कैसे समझाऊं, मैंने कहा ना मैं गंधर्व नहीं हूँ। देखिए मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। हाँ। हे भगवान, क्या हुआ? हरि को उस लड़की ने देख लिया। अरे अब क्या करें? अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए अब मैं आपको कैसे समझाऊं, भगवान के लिए मेरा विश्वास कीजिए, मैं गंधर्व नहीं एक आम इंसान हूँ, यहाँ अपनी जान बचाने के लिए छुप कर बैठा हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। राधा, 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 आप
यहाँ है, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आपने उन्हें देखा क्या? हाँ, किसे? गंधर्व को, साक्षात गंधर्व यहाँ आए हुए हैं, हमारा रखा हुआ प्रसाद भी उन्होंने खा लिया, अब एक क्षण भी हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था ना, सुंदर तरुण कन्या को देखते गंधर्व तुरंत आ जाते, अब यहाँ और थोड़ी देर रुके तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। चलिए चलिए चलिए। यही मिला था क्या? गर्मा गर्म चावल, दाल, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, सीख कबाब, पराठा, ऐसा सब बढ़िया आइटम लाना चाहिए था ना। ये क्या गाय बकरियों का खाना लेकर आ गई? उंगली दी तो अब हाथ पकड़ रहे हो क्या? हाथ मांगू तो दोगी क्या? क्यों रे, अकल नहीं है तुझमें? पढ़ा लिखा है ना, तुझे शराफत से बात करनी नहीं आती? हम इनके घर मेहमान बनकर आए, अगर ये कुत्ता बिल्ली भी खिलाए तो बकरे का मटन समझ कर खा ले, वो छोड़कर तू फरमाइश खा ले। जल्दी से छुप जाइए। कौन आ गया? देखा नहीं क्या? का बच्चा यहाँ भी आ गया। हे भगवान, जल्दी से छुप जाओ, तुम लोगों को देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। और भी अलग अलग दिशाओं में जाना है। महाराज से लेकर मंत्री सबको मेरी आवश्यकता है। शेर शेर शेर, कहाँ है मेरा कोयता? क्यों? उन पिशाचों का सर काटूंगा, खचाक। ये आवाज कैसी? बताओ ये आवाज कैसी? माले पर बिल्ली होगी। माले पर बिल्ली? हाँ, अभी मुझे याद आया, मेरा कोयता वहीं पे है, लेके आता हूँ। मैं ला कर देती हूँ। मेरे हाथ नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। नहीं रुकिए। शेर को रोकती हूँ, खुद लूंगा, बोला ना। ये सांप कहाँ से आ गया? फिर से दिखता हूँ, देखता हूँ। कोयता मिल गया। अंदर से दरवाजा बंद कर देना, अगर मैंने उन पिशाचों का सर नहीं काटा तो मैं अपने पड़ोसी की औलाद नहीं। ये कॉम्पस काम करता है क्या? हाँ। हम कहाँ हैं जरा बताना। साउथ वेस्ट। मेरे हिसाब से हम शायद अंडमान के किसी आसपास के आइलैंड पर हैं। इस आइलैंड का जिक्र किसी भी मैप में नहीं है। मतलब हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी क्या? कुछ नहीं कर सकते, तकदीर में बचना लिखा होगा तो बचेंगे। हमारे साथ समंदर में जहाँ हादसा हुआ वहाँ बहुत बड़ा भंवर था और उसी वजह से हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया। ए हरी, वो लड़की हमारे बारे में सबको बताएगी तो नहीं ना? डर लग रहा है। नहीं बताएगी। अगर बता दिया तो क्या करेंगे? तुमने अब तक खाना नहीं खाया राधा? मैं बाद में खा लूंगी माँ। जब से तुम मंदिर से आई हो तब से देख रही हूँ तुम बहुत खोई खोई सी हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मल्लिका की बात सुनकर तुम्हारे मन में डर बैठ गया क्या? मैंने ऐसा क्या कहा महारानी जी? आप राजकुमारी से ही पूछिए, वहाँ जो फल मिठाई सब रखे थे वो खाकर गंधर्व वहाँ से चले गए। अच्छे स्वच्छ मन से भोग चढ़ाएंगे तो कौन सा भगवान नहीं खाएगा। ये लीजिए, दूध पीजिए। मुझे नहीं चाहिए। सच बता, तूने गंधर्व को देखा है क्या? देखा तो नहीं, किंतु वो फल और मिठाई। कहानी मत बना, राजकुमारियों को फंसाकर फल खुद ही खाकर गंधर्व ने खाया बता रही है। मुझे तो तुम पर पहले से शंका थी। रानी जी, मेरी बात मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, ज्यादा नाटक मत कर, किसी और को दिखाना नाटक। प्रभु, मेरी बात का कोई विश्वास नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ? अनिका, तुमने गंधर्व को देखा क्या? कहाँ? मेरी आंखों के सामने ही तो खड़े। यही बात तो हम बहुत दिनों से अपनी पत्नियों से कह रहे हैं, परंतु वो दोनों मानती ही नहीं। नीचे झुको, थप्पड़ नहीं मारेंगे, तुम्हें एक चुमा देंगे। आओ। आ गई। यही देखना बाकी रह गया था। दो दो रानियों के होते नौकरानी पर डोरे डाल रहे हैं, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। भानुमति, हमने ऐसा क्या किया तुम इतना रो रही हो? ऐसे रोते नहीं। अच्छा, तुम कब आई? तू कुछ भी कह ले यार, देखना वो जरूर यहाँ लेकर सबको आएगी। किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, यहाँ हम किसी अनजान जगह पर आकर फंसे और ऊपर से हम जिसे जानते नहीं उस लड़की पर भरोसा करके। वो बहुत अच्छी है, वो किसी को नहीं बताएगी, ऐसा हरी की बात सुनकर हम बैठे रहे तो हमारी गर्दन कट जाएगी। यहाँ से बाहर जाएंगे तो वो हमें छोड़ेंगे क्या? अब क्या करना है वो सोचो। अब सोचना क्या है, मौत तो खुद चलकर आपके पास आ रही है। मेरी काली जबान है, जो मैं कहता हूँ वो होता है, ऐसा मेरी माँ कहती है।
मैंने कहा था ना, वही लड़की आ रही है। अब देखना, पूरी फौज लेकर आई होगी, अब हम नहीं बचने वाले। उसके साथ कोई भी नहीं है, वो अकेली आई है, जरा देखिए। हाँ यार सही है। अरे वाह, सच में अकेली आई है। मैंने कहा था ना, वो हमारे बारे में किसी को नहीं बताएगी। वो यहाँ क्यों आई है, उसे जाकर पूछ के आओ। जाओ जल्दी जाओ, जाओ। जा जा। ठीक है, हो सकता है उसकी मदद से हम यहाँ से निकल हाँ। जाएं। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा आप सबको लेकर आएंगे। वैसे आप अकेली ही आई है ना, भरोसा कर सकता हूँ? आप यहाँ इस वक्त ये क्या है? आपको भूख लगी होगी मुझे पता है, इसलिए लेकर आई हूँ। वो खाना लेकर आई है। ऐसे क्यों देख रही है? वो क्या है ना, लंबे चौड़े गंधर्व को मैं अब तक सिर्फ अपने सपनों में ही देखते आ रही हूँ। पता है आप हमारे गंधर्व जैसे ही लगते हैं, आपको छूकर देखूं क्या? क्यों, शंका दूर हुई? हाँ हो गई, फिर भी आप मेरे लिए हमेशा गंधर्व ही रहेंगे। आप भी ना, ठीक है आपकी मर्जी। मैं हरी हूँ, मुंबई से अंडमान हम फ्लाई कर रहे थे और रास्ते में अचानक ये फ्लाई क्या है? I'm sorry. ये सॉरी क्या है? वो मैं उड़ रहा था, हेलीकॉप्टर में उड़ रहा था, वो नष्ट होकर समंदर में गिर गया और मैं तैर कर यहाँ आया। अब समझ में आया? हाँ। लग तो नहीं रहा। बहुत देर हो गई है, आप ये खाना खा लीजिए, मैं चलती हूँ। हाँ ये सिर्फ एक आदमी का खाना है। हाँ? भूख के मारे और भी दो तीन गंधर्व अंदर छुपे हुए हैं। और भी है? रमेश भाई बाहर आइए। मैं हूँ रमेश गंधर्वन। मैं जोसेफ गंधर्वन। मैं चंद्रशेखर गंधर्व। डरिए मत, हम सब दोस्त हैं, आइए उनसे मिलवाता हूँ। अपने मंत्रों की शक्ति से वो पिशाच हमारे गांव में नहीं आया, ऐसा कहकर पूरे गांव में राजगुरु ढिंढोरा पीट रहा है। मैंने दो पिशाचों को मारकर उल्टा लटका दिया, इसीलिए उन्हें देखकर बाकी के पिशाच डरकर भाग गए, ये बात उस मूर्ख को पता नहीं है। ए, उतार 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 उतार। इतनी रात को गंधर्व के मंदिर के पास से कौन जा रहा है? कौन है? मैंने पूछा तुम कौन हो? कोई लड़की लग रही है, कहीं वो चुड़ैल मोहिनी तो नहीं है? क्या चुड़ैल मोहिनी? वहीं रुक जाओ। ये तो राधा है। आधी रात को गंधर्व के मंदिर के पास राजकुमारी जी, कहीं गंधर्व के साथ उसका कुछ है? कहीं ये बात सच तो नहीं? राधा राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर क्यों आई? सपनों में आकर गंधर्व मुझे पुकार रहा है। पुकारा? गंधर्व मुझे पुकार रहा है, मुझे पुकार रहा है। मामा जी। ए छोटो, उस गंधर्व ने मेरी राधा के साथ कुछ किया तो नहीं होगा? अगर कुछ किया होगा तो मैं उसके पैर छूकर धन्यवाद कहूंगा। नहीं 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 नहीं, हम उसके पैर तोड़ देंगे, ये कह रहा था। अब थोड़ी देर में ही सब कुछ पता चल जाएगा। कहिए राजगुरु। विषय बहुत गंभीर है, गंधर्व ने हमारी राजकुमारी को कष्ट पहुँचाया। क्या? हाँ। इसका कोई उपाय नहीं है क्या? हाँ है, आप घबराइए मत। घबरा कौन रहा है? यज्ञ करवाना होगा तो करवाइए, वो सब कार्य मैं संभाल लूंगा। हमें धन देना होगा। इस बारे में किसी को पता ना चले। धन के बारे में? देखिए, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बताऊं। बताइए ना। राजकुमारी जी और गंधर्व दोनों एक हो गए होंगे। अर्थात? अर्थात उन दोनों में वो तो नहीं हुआ होगा, मुझे बस इस बात का संदेह है, यही बात है। हम समझे नहीं। नहीं समझे? यदि कन्या मिल जाए तो बस, वो उनके संग संभोग किए बिना नहीं छोड़ता, पैर भारी कर देता। उस गंधर्व को मैं अपनी मंत्र शक्ति से भगा दूंगा, तब तक इस विषय की चर्चा भी मत कीजिएगा। राजकुमारी जी का विवाह होने वाला है ना, अब आज्ञा दीजिए। ये स्वयं तो चुप नहीं रहेगा। मामा। मामा जी, अब राधा की हालत कैसी है? हालत कैसी मतलब? ऐसे पूछ रहा है जैसे उसे कुछ हो गया है। छोटी सी पूजा करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आप उसे कुछ छुपाने का प्रयत्न मत कीजिए ना, आज नहीं तो कल सत्य अपने आप सबके सामने आ जाएगा। ए, किस सच की बात कर रहा है?
अब सीधी तरह से बता दीजिए। नहीं, इसे तो नहीं पता चल गया। उद्घाटन हो गया क्या? ए, अपनी होने वाली पत्नी के बारे में ऐसी बातें करता है? अब क्या करें? समझदारों की तरह बातें किया करो। मामा जी, मुझे उनसे ये सब पूछना ही नहीं चाहिए। आपने तो पूछ लिया। नहीं नहीं, गजेंद्र जो भी काम करता है कभी गलत नहीं होता। अब तो किया ना। मल्लिका जी, राजकुमार जी। राधा, अब बताने जैसा कुछ नहीं है। तुम मेरी एक मदद करोगी? राजकुमार राधा से मिलना चाहते हैं, कुछ करो ना। इस समय राधा से कोई नहीं मिल सकता, ऐसा आदेश है। मेरा कष्ट कोई तो समझो। उस गंधर्व के कारण उस पर ऐसा संकट आएगा, किसने सोचा था? क्या किया ये तो पता चलना चाहिए ना। कोई ऐसी वैसी गलती तो नहीं हुई होगी ना? उसके बारे में इस समय तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब मैं चलती हूँ राजकुमार जी। मल्लिका जरा रुको। जी राजकुमार जी। उद्घाटन हो गया? क्या कहा? मतलब वो हुआ होगा क्या? हे भगवान, ऐसी बात पूछकर आपने मेरे कुंवारेपन का अपमान किया है। ऐसी गंदी बात आज तक मुझसे किसी ने भी नहीं पूछी। आज तक मुझ पर किसी पुरुष की छाया तक नहीं पड़ी। और आपने क्या हो रहा है? महारानी जी, महारानी जी मुझसे कुछ मत पूछिए। तुमसे नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? राजकुमार जी ने जो सवाल पूछा वो सुनकर मेरा मर जाने का मन कर रहा है। मुझे मत रोकिए महारानी जी, मुझे जाने दीजिए। महारानी मैं राजकुमार यहाँ खड़ी है, अपना मुँह मत खोलो। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? अपने कक्ष में जाओ। जाइए जाइए। मल्लिका रो क्यों रही थी? मुझे क्या पता तुमने मल्लिका से ऐसा क्या कहा? उद्घाटन हुआ क्या? निर्लज कहीं का। इसका मतलब मामा के जैसा ही भांजा। अच्छा हुआ मेरी बेटी के साथ संबंध नहीं जुड़ा। फिर मुझसे गलती हो गई क्या? यही तो मैं आपको कब से कह रहा था। तुझे तो मैं राधा। राधा, तूने गंधर्व को सचमुच देखा क्या? मैंने देखा उसे। दिखने में बहुत सुंदर है। हो गया, अब गजेंद्र का क्या होगा? भगवान ही जाने। हाँ, ये तो भगवान जाने। क्षमा करे, क्षमा करे, बीच में आने के लिए क्षमा करे। राजगुरु ने कहा था राधा को आराम करने दीजिए। आप जाइए, मैं हूँ यहाँ। जाइए, बाद में बात कीजिए, ठीक है? आप भी जाइए, मैं राजकुमारी का ध्यान रखूंगी। राजकुमारी जी, आपने सच में गंधर्व को देखा है क्या? उस गंधर्व का पैर जमीन पर नहीं टिकता ऐसा सुना है, क्या ये बात सच है? नहीं, मेरे गंधर्व का पैर तो जमीन को छू रहा था, मैंने खुद देखा। हे भगवान।
मार डालूंगा। किसे? गंधर्व को। गंधर्व को ना। हम लोगों को एक कंकर जितना बनाकर खुद आसमान को देखने जितना लंबा रह गया। वो मेरी संपत्ति के पीछे क्यों पड़ा है? उसके लिए देवलोक की अप्सराएं भी तो है ना। सही कहा। उर्वशी, मेनका, रंभा, तिरोत्तमा, इनमें से किसी के साथ रास लीला रखनी चाहिए ना, वो छोड़कर हमारे वामनपुरी की कन्याओं के साथ संबंध रखता है। ये सरासर अन्याय है। उसे क्या लगता है हमारे राजकुमार उसे छोड़ देंगे? उस गंधर्व को मैं अपनी धन संपत्ति सब कुछ दे दूंगा, अपनी जान दे दूंगा, मगर अपनी राधा को उसकी नहीं होने दूंगा। मैं राधा से बहुत प्रेम करता हूँ। और मैं भी है? मतलब मैं चाहता हूँ आपकी पत्नी बने। प्रेम तो एक मायावी दर्पण की तरह है बच्चे। कौन कहता है? ये नशे में कुछ भी बोल रहा है। बुड्ढे की बात पर ध्यान मत दीजिए। कौन है ये? मुझे क्या पता। स्वामी तीर्थानंद है, पता नहीं क्या। स्वामी, ये तो तीर्थ के बदले मदिरा क्यों पी रहा है? मैं मदिरा को तीर्थ समझ कर ही पी रहा हूँ। आपकी तरह प्रेम में हार कर उसका दुख भुलाने के लिए पी रहा है। मैंने कब कहा मैं हार गया? मेरा मतलब वो बुड्ढा हार गया है। अरे वो तीर्थानंद सन्यासी, एक सुंदर तरुण कन्या, रात के समय गंधर्व के मंदिर में यदि अकेली जाती है तो वो गंधर्व उसके साथ मंदिर में घंटी बजाएगा या नहीं बजाएगा? गंधर्व भले ही कुछ करे ना करे, किंतु मुझे अवसर मिले तो मैं उसके संग अवश्य सब कुछ करना चाहूँगा। गजेंद्र, क्या है? क्या? मैं उसे अपने जीवन से खेलने नहीं दूंगा। मैं उसे वामनपुरी से भगा कर रहूंगा। हे प्रभु, देखिए हम भी आपे की तरह एक आम इंसान हैं। आप जो सोच रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। मैं और राजकुमारी इतनी रात को यहाँ आई हैं। ये बात अगर उन्हें पता चल गई तो मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। आपने कहा था कि यहाँ से निकलने में मलिका ही हमारी मदद कर सकती है। क्या आप चाहती हैं कि हम यहीं पर मर जाएं? अगर बचना है तो अपने पैर काट कर यहाँ के पुरुषों की तरह बौने बन जाओ। अरे बाप रे, पैर कैसे काट सकते हैं? कमल हसन को कांटेक्ट करने से शायद हमें कुछ आइडिया मिल जाए। बहुत अच्छा आइडिया है। ये लोग तो नहीं समझते, लेकिन तेरी अकल भी घास। गजेंद्र मलिका, गजेंद्र आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, पराक्रमी गजेंद्र आ गया। आज तो सच में मेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। जल्दी चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलिए। दरवाजा खोल। राजा को तुमने अपने पास छुपा कर रखा है, मुझे पता है। मुझे कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। उसे जल्दी से बाहर भेज। दरवाजा खोल, 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 बोला ना। तू दरवाजा खोलता है या मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊं? मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। अगर अंदर आ जाऊंगा तो मेरा सर फट जाएगा, समझा? फटने दे। उसे बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। दरवाजा नहीं खोलता, ये ले। गिर गया। सर तो फटा ही नहीं। इतने दिनों से तू सबको मूर्ख बना रहा था, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देख लूंगा उसे। क्या छुपा रखा तूने मेरी राधा को? वो कौन है तुझे पता है? वो इस गजेंद्र की होने वाली पत्नी है। वो मेरे लिए सब कुछ है। सीधी तरह से मेरे हवाले कर दे द्रोही, नहीं तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके चिलकौओं को खिला दूंगा। इस गजेंद्र का क्रोध तूने देखा नहीं है, मैं तेरा अस्तित्व तो मिटा दूंगा। हाँ, आदमी का कद बड़ा होने से कुछ नहीं होता। दूसरों की संपत्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। तू खुद को भगवान समझता है। भगवान का काम लोगों की झोली भरना होता है और तू मेरी संपत्ति पर डाका डालता है। अगर तू एक बाप की औलाद है तो मेरे सामने आ, सामना कर, सामना कर। तू काया रे, हिम्मत नहीं है। तू तूने मुझे तो क्या मारा? साले चुप के वार करता है, हिम्मत है तो सामने आ। कायर कहीं का, सामने आकर मुझसे, तेरी तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझ पर हाथ उठाया, ये बात अगर मेरे लोगों को पता चली तो वो तुझे जलाकर भस्म कर देंगे, तेरा नामो निशान मिटा कर रख देंगे। आज तेरा किस्सा खत्म किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बोतल कहाँ गई? बोतल, बोतल कहाँ गई? कहाँ मेरी बोतल? अब बोतल भी हड़पना चाहता है? दूसरों की मेहनत का फल खाने वाले तेरी कोई औकात नहीं है। जा साले, बोतल भी रख ले, मगर मुझे मेरी राधा वापस कर। उसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तू क्या करता मैं भी देखता हूँ। मस्त है, थोड़ी तू भी मार। मुझे नहीं, इसे पीने की पड़ी है और वहाँ वो शैतान हिलने का नाम नहीं ले रहा। अब हम क्या करें? पुरुष अंदर आते हैं तो उसका सर फट जाता है। मैं ये कितनी देर से बैठा हूँ, मेरा सर फूटा क्या? ये बात मैं सब लोगों को बता दूंगा। तेरी इज्जत की तो है।
संदेह ही नहीं है। कौन संदेह कर रहा है, सीधे विषय पर आइए। फिर से यज्ञ करवाना होगा। यज्ञ करवा करवा कर आप हमें कंगाल बनाकर छोड़ेंगे। आज गंधर्व कोई साधारण प्रेत नहीं है, वो बहुत ही प्यासा प्रेत है। समुद्र में ढेर सारा पानी है, कहो से पी ले, प्यास बुझ जाएगी। पिछली बार कौड़िया फेंककर आपने क्या कहा था, गंधर्व हमारी पुत्री का पीछा छोड़ देगा। पीछा छोड़ा क्या? राजेंद्र ने गंधर्व को सामने से देखा, उसका भाग्य अच्छा था जो वो वहाँ से बच निकला। गंधर्व को संतुष्ट करना होगा, उसके लिए हमें उसके मंदिर की मरम्मत करवानी होगी, उसकी पूजा करके उसे वहाँ बुलाना होगा। उसके किए हुए अपराध के लिए उसे यहाँ से भगा देना चाहिए। जो नारी की इज्जत के साथ खेलता है उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके मंदिर की मरम्मत करवाइए या कुछ भी कीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर महाराज मुझे आज्ञा दे तो वामनपुरी के वीरों को ले जाकर उस गंधर्व का अस्तित्व मिटा दूंगा। सिर्फ एक बार हाँ कह दो मामा। मेरा मतलब है मामा जी, मेरी राधा के साथ किए हुए अन्याय का मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। महाराज। ये तो मलिका की आवाज लग रही है, क्या है मलिका? हमें क्षमा करें महाराज, आपकी बात को काट कर कुछ कह रही हूँ, महाराज दया करके बुरा ना मानिए। मल्लिका तुम अंदर जाओ। सर के होते हुए दुम नहीं हिलाते। किसी भी संकट की घड़ी में राजमहल के रहवासियों को बोलने का पूरा अधिकार है, अपना मुंह बंद रखो। आओ मल्लिका, निसंकोच होकर जो बताना है बताओ। गंधर्व से छुटकारा पाने के बारे में राजगुरु यदि कुछ नहीं कर पा रहे तो यज्ञ करवाइए, छुटकारा मिल जाएगा। मल्लिका की बात को कोई भी नहीं काटेगा। बोलो मल्लिका। मेरी पहचान के कुछ 3-4 संत महात्मा लोग हैं, कड़ी तपस्या से उन्हें दैविक शक्ति प्राप्त हुई है, यदि उन्हें बुलाएं तो। राजगुरु को सीधा करने के लिए उन्हें बुलाना सही होगा। उन्हें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसका निर्णय सिर्फ हम करेंगे। यज्ञ करवा करवा के धन लूटने के लिए ये बैठे हैं ना, तो बाहर से किसी को बुलाने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है गजेंद्र, हो सकता है नए लोगों को बुलाने से कोई उपाय निकल आए। मल्लिका जल्दी से उन संत महात्माओं को बुलाओ, ये महाराज का आदेश है। भगवान करे संत महात्मा लोग राधा को जल्दी ठीक करे। आइए आइए महात्मा गण, इस वामनपुरी में आप सभी का स्वागत है, आसन ग्रहण कीजिए। नहीं महाराज, हमें बैठने के लिए मत कहिए, हम खड़े होकर पूजा करेंगे तो ही सफल होगी। तब तो फिर आप अपनी इच्छा अनुसार ही कीजिए। हरिओम। ये क्या, आप सबकी कमर पर ये कुबड़ जैसा क्या निकला है? ये महाराज, ये ज्ञान का कुबड़ है। बच गए। ज्ञान का कुबड़? हमने बैलों के कुबड़ के बारे में तो सुना हुआ है। मैंने गधे के कुबड़ के बारे में सुना है। बरसों की बड़ी तपस्या के बाद वो ईश्वर हम पर प्रसन्न हुए और हमें ज्ञान का कुबड़ दिया। कुंडलिनी कुंडलिनी। हरिओम। मुझे इन चीजों पर विश्वास नहीं है। जिस दिन ये ज्ञान का कुबड़ फटेगा उस दिन हम समाधि ले लेंगे। तब तक महाराज जो भी पूछेंगे हम अपने ज्ञान के कुबड़ से उत्तर देते जाएंगे। कुबड़ हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, बस हमारे संकट दूर हो जाए, इतना ही बहुत है। महाराज आपकी जांग पर। जांग पर? पूरी बात सुनिए, आपकी जांग पर एक काला तिल है और वो आपकी बाई जांग पर है। है ना? महाराज की जांग पर तिल है, असंभव है। महाराज की जांग पर तिल है। हमें फंसा दिया मल्लिका। ये तुम्हें कैसे पता? नहीं वो संत महात्माओं ने कहा तो सच्ची होगा ना। बहुत अच्छे मल्लिका, महाराज की जांग पर तिल है महारानियों को नहीं पता क्या? पता है महाराज, ये लोग सच में संत महात्मा है। वो कोई साधारण तिल नहीं है, साक्षात शंकर जी ने उसकी रचना की है, उसकी शक्ति ही आपकी रक्षा कर रही है, ऐसा हमारा कुबड़ बता रहा है। बिल्कुल सही बता रहा है। और कुछ नहीं बता रहा है क्या? Say about his daughter. What? Say about his daughter. ये कौन सी भाषा है भाई? ये ज्ञान कुबड़ की भाषा है। वो जब बोलता है हमारा मुंह स्वयं चलता है। महाराज की 5 सुपुत्रियां हैं, सबसे छोटी का नाम है राधा। ये बात तो सही, बिल्कुल सच कहा। वही कन्या आपके जीवन का सौभाग्य है, वो राधा नहीं लक्ष्मी है।
वो महालक्ष्मी का अवतार है। उस कन्या के शरीर में गंधर्व ने प्रवेश किया है। उस कमीने से आप छुटकारा दिला सकते हैं या नहीं, बताओ। आप उन्हें कमीना नहीं कह सकते। कहना है तो रास्कल कहिए या स्टूपिड कहिए। क्या कल रात को आप गंधर्वों को देखकर डरकर भाग नहीं गए थे क्या? आपने गंधर्वों को देखा या नहीं बताइए? देखा। आप उस मंदिर के पास कभी मत जाइए, यदि आप गए तो जीवित नहीं लौटेंगे। अब तो हम पर विश्वास हुआ ना? हाँ हुआ, किंतु आप राधा के शरीर से गंधर्व को भगा देंगे तो पूर्ण विश्वास होगा। संत लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, शाबाश गजन, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। माँ माँ, मेरे शरीर से कुछ बाहर निकला ऐसा मुझे महसूस हुआ। अवश्य गैस होगा। वो गंधर्व उड़न छू हो गया। हरिओम। अब तो मैं पूरी तरह ठीक हो गई। मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम जरा भी कम नहीं हुआ ना? वो पहले जितना ही है ना राधा? हाँ पहले जितना ही है। हे भगवान, भगवान की कृपा से तुम ठीक हो गई। भगवान नहीं, भगवान के अवतार समान इन हरि संतों की कृपा मानिए। श्री हरि कृष्ण नारायण परमात्मा की जय हो, जय हो। देख क्या रही हो, इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो, जाओ। महारानी को भी ज्ञान का कुबड़ होगा क्या? चड़ा। अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप हमारे राजगुरु बन जाइए, हम आपके अनुसार ही चलेंगे। और मैं महाराज? आप जाइए कहीं जाकर खेती बाड़ी कीजिए। लेकिन महाराज? क्या महाराज कर रहा है, तुम इतने दिनों से कुछ भी बोलते रहे और हम तुम्हारी बात मानते रहे, चलो जाओ यहाँ से। जैसी महाराज की इच्छा। आज के बाद राजमहल में हमारे होते कोई संकट नहीं आएगा, आशीष मिलेगा, आप लेते रहिएगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम। समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। राजकुमारी राधा के लिए मैं कोई भी सहायता करने को तैयार हूँ। यहाँ ऊंचे लंबे पुरुषों को सब पिशाच मानते हैं, कई वर्ष पहले इसका निर्णय हुआ था, अब इस सत्य को बदला नहीं जा सकता। तो फिर हम क्या करें? उनकी दृष्टि आप लोगों पर पड़े बिना सुबह सूर्योदय होने से पहले आप लोगों को यहाँ से सुरक्षित भेजना मेरा उत्तरदायित्व होगा। भले लोगों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ता। हाँ आप तो यही कहेंगे, सुनामी से कितने भले लोगों की मृत्यु हुई आपको पता है क्या? तब कहाँ गया था आपका भगवान? ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब मैं चलता हूँ, रात को फिर मिलेंगे, चलो बेटी। हरि, राधा आई है। हे, हाँ? राधा, शायद कुछ गड़बड़ होगी, जाके पूछ क्या। क्या हुआ राधा, अचानक इस तरह? मुझे आपको देखने की इच्छा हो रही थी इसलिए चली आई। अपने गंधर्व का पूरा रूप मैं यही तो आकर देख सकती हूँ। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था राधा। मुझे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, वहाँ मेरा एक एक पल एक एक साल की तरह कटता है। हाँ मेरा भी, अगर आप नहीं होती तो आज शायद मैं जिंदा नहीं होता। जन्मों जन्म तक आपने मेरी जो मदद की है उसका एहसान मैं नहीं चुका पाऊंगा। ऐसा कहकर रिश्ता खत्म करना चाहते हो? तो और क्या चाहती हैं आप? मुझे आपकी पत्नी बनना है। सच कहूं तो जब आपको पहली बार देखा तभी आपको जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। मैं अपनी जिंदगी में अगर किसी से शादी करूंगा तो वो सिर्फ आपसे करूंगा, ये मेरा वादा है। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या बात है बताइए। राजकुमार क्या बात है बताइए ना। क्या बताऊं मैं, इस वामनपुरी में ऐसी घटना इससे पहले कभी नहीं हुई।
बामनपुरी में जो नहीं होना चाहिए वो होता रहेगा, मैंने कहा था ना। और कुछ नहीं। क्या हुआ राजकुमार? हमने जो सुना हो सही है महाराज। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बहुत समझाने के बाद भी वो समझ नहीं रहे हैं। जो हुआ है वो लोगों को आप ही बताइए राजकुमार जी। मेरे प्रियजनों, मैं आपको एक दुखद समाचार सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गए 4 दिनों से हमारे महाराज और 4 सैनिक लापता है। दिन और रात हमारे सैनिक महाराज और लापता सैनिकों की खोज में जुटे हुए हैं। ऐसी संकट की घड़ी में एकजुट होकर समस्या का सामना करना हम सबका कर्तव्य है। महाराज को ढूंढे बिना हम शांत नहीं बैठेंगे। बामनपुरी महाराज की जय हो। बामनपुरी महाराज की जय हो। वो संत लोग कहाँ हैं? 2 दिन हो गए, वन द्वार अब तक नहीं खुले। महाराज को वापस लाने के लिए विशेष पूजा कर रहे हैं। तुम लोग ऐसे पेश आ रहे हो जैसे किसी टूर पर आए हो। महाराज के साथ हमने जो किया है ये बात अगर लोगों को पता चल गई तो क्या होगा मालूम है? वो यहाँ किसी भी वक्त आ सकते हैं, सवाल पर सवाल पूछते जाएंगे। पूछा कि महाराज कहाँ हैं तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? शकीरा का डांस देखने गए बोलेंगे। देखो बात बहुत सीरियस है, मजाक से काम नहीं चलेगा। हाँ उनका तो यहाँ पर कोई शत्रु भी नहीं है, तो फिर ऐसे अचानक कैसे लापता हो गए? वो किस हाल में होंगे भगवान? मम्मी रोइए मत, अपने आप को संभालिए। गजेंद्र, गजेंद्र अनर्थ हो गया। क्या हुआ राजगुरु? जब मैं ध्यान कर रहा था तब अपनी दिव्य दृष्टि से मैंने कुछ देखा। वो मैं अपने मुँह से कैसे बताऊँ? हमारे महाराज। आपने क्या देखा हमें बताइए, बताइए क्या हुआ महाराज को? मैंने महाराज के मृत देह को देखा। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले? हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। महाराज को मैं जीवित कर सकता। क्या कहा? मरे हुए को जीवित कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। उनकी आत्मा अभी यमलोक नहीं पहुँची, उन्हें लंबा मार्ग सिद्ध करना है। उनकी आत्मा को मैं वश में करूँगा, अपने साथ ले आऊंगा, और ये केवल मैं ही कर सकता हूँ। खातून की किस्मत में सलाम अपन का, रिपोर्टी पटाना है, रिपोर्टी पटाना है, फकत काम अपन का। घर बार हुआ इश्क में नीलाम अपन का, रिपोर्टी पटाना है, रिपोर्टी पटाना है। अरे बाबा चिल्लाओ मत, कोई सुनेगा तो क्या होगा? सोचो क्या होगा, पैसे देंगे और हम घर जाएंगे। हाँ, हाँ, चले जाओ चले जाओ। थोड़ी सी मदद की ये तो सर पर ही बैठ गए। लगता है इनके कारण हम एक दिन फंस जाएंगे। हम बाहर जाएंगे तब ना। तुम्हारे कारण हम कपड़े भी नहीं बदल सकते। क्यों? हम बदल दें क्या? हम आंखें बंद कर लेंगे, तुम लोग पहन लो। नहीं दे दे, ये चालाकी किसी और को दिखाना, हमें नहीं। कपड़े बदल कर जा कहाँ रही हो? हमारे गांव के मंदिर में महापूजा होने वाली है। उत्तमपुरी से नृत्य की रानी कमला आ रही है। नाच गाना खाना पीना पूरी रात मजे से कटेगी। अच्छा, हम भी वहाँ नाच सकते हैं क्या? हमें भी ले चलो ना, हमारा भी नाचने का मन कर रहा है। हमारे लोगों के हाथ लगोगे तो जीवित नहीं बचोगे। अरे यार मरने दो, यहाँ घुट घुट कर मरने से एक ही बार खा पी कर वहाँ मरना अच्छा है। हे भगवान, अब तुम लोगों को कैसे समझाएं? हम सब समझ गए, अगर हम वहाँ आए तो हम मारे जाएंगे, यही बात है ना? हम वहाँ जरूर आएंगे। हाँ, और तुम्हारे लोग हमें देखेंगे भी, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। कैसे? वेट एंड सी। क्या? बस देखती जाना। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, कहे के स्वामी हैं? अरे बाप रे, पूरी फौज आ गई, जाकर दरवाजा खोल। रुक जा, अभी मैंने बांधा नहीं है। बांधा नहीं है तो काट कर देंगे। जल्दी कर, वो अंदर आ जाएंगे। कोई रास्ता नहीं है। अरे स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, आपसे कुछ बात करनी है। दरवाजा खोलने में इतना समय? आइए 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 आइए। हरिओम हरि, हरिओम हरिओम हरि। मैं जब तक राजगुरु था तब तक इस राज्य पर कभी कोई संकट नहीं आया, किंतु इनके आने से महाराज ही अदृश्य हो गए। राजगुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से वो, हम सब जानते हैं, ज्ञान के कुबड़ से हमें सब पता चल गया है। वो दिव्य दृष्टि नहीं, कोण दृष्टि है। आप बिल्कुल मत घबराइए। अड़कम दड़कम दोम दड़ाका लेतर फितर, महाराज अभी भी जीवित है। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, वो शीघ्र ही यहाँ उपस्थित होंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए, चलो। थोड़ी बहुत मर्यादा बची है उसे भी नीलाम करने पर तुले हैं राजगुरु। इस बूढ़े की मति मारी गई ना, इसलिए। बाप रे, बाल बाल बच गए। हरिओम हरिओम। आप उसके अंदर क्यों बैठे? यहाँ बैठने से ध्यान बढ़ता है। एक बार बाहर निकलिए। जा बे मरे ले।
क्या कहा? जाबे मरेले कहा। ये संत लोगों की भाषा है। जाबे गंदी नाली के कीड़े, चल भाग, चल निकल। ये सुनते मैं मर क्यों नहीं गया? मेरे लिए अपशब्द। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम औरतों के कपड़े पहनकर मर्दों की आवाज में गाना गा रहा है, अगर कोई देख लेगा तो? अरे तू भी तो मर्द की आवाज में बात कर रहा है। करे औरतों का गेटअप तो बदल लिया, लेकिन आवाज का क्या? उसमें कौन सी बड़ी बात है? अब देख क्या दुर्जन सिंह, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो मेरे हर आंसू का तुझसे बदला लेंगे, तेरे पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला देंगे। देखो राहुल, तुम्हें मेरी जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। मेरी अदा, मेरी खूबसूरती पर पूरी दुनिया फिदा है। क्या बस करो, रूप बदल लिया, आवाज भी बदल लिया, और नाम का क्या? वो भी बदल लिया। मैं मल्लिका शेरावत, ये राखी सावंत। ये कैसा नाम है? वो हमारे देश की गोला बारूद है। अब भी कुछ समझ में नहीं आया? अभी नहीं, कैसे समझाया? छोड़ ना यार, इनकी समझ में आए ऐसा कोई आसान नाम रखते है ना? रारा मेरे पास आ जा। करेक्ट, तू चंद्रमुखी और मैं इंद्रमुखी, ठीक है? इतना खुश मत होना, नाम बदल कर रूप बदल कर तुम लोग ऐसे कन्याएं नहीं बन सकते। रुको रुको रुको, कुछ आवाज आ रही है। किसी के तड़पने जैसी आवाज आ रही है। शायद कोई झाड़ियों के पीछे छुपा होगा, और देखते हैं। ये क्या चल रहा है? पीपे में किसी को बंद करके रखा है। चल हे भगवान, किसको बंद किया होगा? अरे कोई खोलो, हमें बाहर निकालो। बेटी परिणीता, तुम और यहाँ? पिशाचों ने तुम्हें बंदी बनाकर रखा था? नहीं महाराज, मैं आपकी बेटी परिणीता नहीं हूँ महाराज। तुम्हारा नाम क्या है? रमा। क्या? रमा? मेरा नाम रामेश्वरी है। बहुत अच्छा नाम है। राजमहल में पहुँचते ही दास को भेज देंगे, अंधेरा होते ही तुम नहा धोकर आ जाना, कुछ खास काम है, ज्यादा देर मत लगाना। वो तो ठीक है, पर महाराज आपको इसमें बंद किसने किया? ये सब उन समुद्र से आए पिशाचों का काम है। दो पिशाचों को तो गजेंद्र ने मार दिया, और बाकी चार संत महात्मा के वश में आकर हमारी आंखों में धूल झोंक कर हमारी बेटी राधा को अपने जाल में फंसा लिया। उस भयंकर घटना से हम अभी तक उबर नहीं पाए हैं। वो पिशाच है, ये बात हमें जैसे ही पता चली उन्होंने हमें इस पीपे में बंद कर दिया और हमें यहाँ वहाँ फेंकते रहे। वो पिशाच अब भी राजमहल में होंगे, बच कर निकलने से पहले हम उनका सर काट देंगे। नहीं महाराज, वो महल में नहीं है, उन पिशाचों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने भी देखा। कहाँ देखा? वो यहीं से जा रहे हैं। हाँ महाराज, उन्हें देखकर हम भी डर गए थे। ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? तुम भी बोलो, गूंगी हो क्या? बोलो ना। हाँ सच में महाराज, महाराज वो मंदिर के उत्सव में ही गए होंगे, यदि हम वहाँ तुरंत जाए तो उन्हें पकड़ सकते हैं। क्यों है बेताब अभी से मेरे यार, जरा बेचैनी का भी तो ले ले मज़ा।
खतरा जैसे कलियों से सजी गुलशन इस बगिया की सैर करा दे बहकाना महका दे कर दूंगा सारा खजाना तुम्हारे हवाले तू बदले में ये कन्या नहीं पिशाच है पकड़ो उन्हें भाग जल्दी भाग निकल पकड़ो 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 उसे जाने न देना पकड़ो भागो जल्दी पीछा करो पकड़ो हमने आज तक कितनी औरतों को फंसाया और इन्होंने औरतों का वेश बदल कर हमें ही फंसा दिया पिशाचों को मारे बिना हम राजमहल में वापस नहीं लौटेंगे तुमने हमें पीपे में बंद किया था हम तुम लोगों को उस पीपे में डालकर आग में झोंक देंगे समझे ये बटले हमारी जान लेना चाहते थे ना ये बचाओ हमें अगर फिर से लौट आया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस तरह चुप बैठने वाला नहीं हूँ दो दिन बाद ही पूर्णिमा है मेरा विवाह रुकाइए मैं कभी नहीं चाहूंगा यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो आपको राज सिंहासन पर बैठना होगा किस लिए महाराज शीघ्र ही लौटने वाले हैं उस संतों ने कहा है लौटेंगे कह रहे हैं किंतु लौटेंगे नहीं उनकी मृत्यु हुई है इस बात का पुरावा भी तो नहीं है सर हाथ पैर कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए था यदि मिल जाए तो तभी मैं महाराज की मृत्यु की घोषणा कर दूंगा तब तक तो हरि संत राधा के संग बांसुरी बजा चुका होगा क्या राधा के कक्ष में उस हरि संत का क्या काम है ये आप क्या कह रहे हैं कभी कभी वो दोनों मिलते हैं ऐसा मैंने भी सुना है नहीं नहीं मैं अपनी राधा को अच्छी तरह से जानता हूँ दो वर्ष का था तब से उसे प्रेम करता हूँ आप गधे हैं राजगुरु क्रोधित ना होइए आप कहाँ और वो हरिसंत कहाँ आपने बिल्कुल सही कहा आपसे भी ज्यादा सुंदर क्या अपनी हद में रहिए आप राजगुरु हैं मैं भूल जाऊंगा चले गए राजकुमार राजकुमार वो हरिसंत राजकुमारी राधा के कक्ष में गया सुन लिया ना यही सही अवसर है चलिए उसे पकड़ते हैं आज वो नहीं बचेगा कल बस आखिरी बार नाटक करना है उसके बाद आजाद हो जाएंगे क्या हुआ आप रो क्यों रही हैं पिताजी से मिलने का मन कर रहा है दो चार दिनों बाद वो महल में वापस आ ही जाएंगे आज रात को हमारी बोट का काम खत्म हो जाएगा और कल रात को जब सब सो जाएंगे तब हम चारों इस वामनपुरी से निकल जाएंगे हमारे वामनपुरी से निकलते ही यहाँ के सारे संकट हमारे साथ ही दूर हो जाएंगे आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं इस चमत्कारी द्वीप की राजकुमारी को भला कैसे छोड़कर जाऊं? ये देखिए अपनी जीवन साथी राजकुमारी को राजकुमार अपने साथ नाव में लेकर जा रहे हैं इसी तरह मैं और आप एक नाव में बैठकर आपके देश में जाएंगे वहाँ आपसे विवाह करके मुझे आपके साथ जीवन बिताना है यही मेरी इच्छा है क्या मेरी ये इच्छा पूरी होगी या एक सपना बनकर ही रह जाएगा जरूर पूरी होगी अगर ऊपर वाला चाहे तो क्या ऐसा होगा हाँ होगा क्योंकि प्यार करने वालों के जोड़े स्वर्ग में ही बनते हैं राधा मैं कहता हूँ तोड़ दीजिए मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो राधा कहीं अंदर वो अपना काम तो नहीं कर रहा मैं मार दूंगा उसे राधा दरवाजा खोलो मैं गजेंद्र हूँ मैं स्नान करने जा रही हूँ मुझे लगता है वो झूठ बोल रही है राधा दरवाजा खोलो मुझे देखना है क्या? मुझे स्नान करते हुए देखना है वो गलत समझ रही है राधा तुम गलत समझ रही हो तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा सब तुम्हारे कारण हुआ है राधा मैं अंदर आकर तुमसे बात करना चाहता हूँ मुझे गलत मत समझो दरवाजा खोलो
कहा ना मैं स्नान करने जा रही हूँ, आप अभी जाओ, बाद में आना। ए, राधा मुझे तुमसे बात करनी है। राधा दरवाजा खोलो, राधा जोर लगाओ, पूरे वामन साम्राज्य में मैंने तुम जैसी सुंदरी कभी नहीं देखी। सही कहा। जा यहाँ से। अब क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे कक्ष में थोड़ी देर पहले कोई आया था क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं आया, आप जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, बैठो, तुमसे थोड़ी देर बात करनी है मुझे। बचपन में हम दोनों साथ खेला करते थे, वो दिन तुम्हें याद है ना, नदी में हम दोनों तैरा करते थे। नहीं, यहाँ पर मेरे और तुम्हारे अलावा अवश्य कोई और भी है। बचपन में हम उस बिल्ली के साथ खेलते थे, उसे डर गए क्या? कहाँ चले गए? मैं तो यही हूँ। अब जाते हैं या नहीं? मैं चला जाऊंगा राधा, परंतु मेरे जाने से पहले मेरी होने वाली पत्नी सुरक्षित है या नहीं ये देखकर चला जाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब से हमारा विवाह निश्चित हुआ है मैं जिसे भी देखता हूँ मुझे उस पर संदेह होने लगता है। हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। अभी कुछ आवाज आई ना? नहीं तो पता नहीं इतनी बड़ी टंकी यहाँ पर क्यों लगा रखी है। गिर गया। लगता है ये मेरा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पानी गिरने की आवाज आ रही है। मैं पानी से खेल रही हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई यहाँ है किंतु दिखाई नहीं दे रहा है। आप स्नान करने देंगे या नहीं? तुम स्नान करो राधा, मैं तुम्हें देखता रहूंगा, विवाह के बाद तो ये सब होना ही है। हाँ? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? गजेंद्र ने हमें ध्यान रखने के लिए कहा है। मछली की हड्डी को कोई रक्षा के लिए रखेगा क्या? महारानी चिंता न करें, निश्चित होकर जाइए, यहाँ मैं हूँ ना। बेटी राधा, अरे माँ जल्दी जाइए यहाँ से। छे, सब बिगड़ गया, कबाब में हड्डी आ गई, निवाला मुँह में आते आते रह गया। छे, जरूरी बात तो रह गई। राधा 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 मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राधा दरवाजा खोलो। राधा अरे दरवाजा, मुझे एक चुम्मा दे दो ना राधा, हमारा विवाह होने तक मैं कभी नहीं मांगूंगा। राधा एक चुम्मा दे दो राधा, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। राधा ये क्या कर रही हो राधा? गजेंद्र, राधा के कक्ष में तुम क्या कर रहे हो? माँ मैं स्नान करने जा रही हूँ, ऐसा कहा फिर? महारानी मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस तरह अंदर आकर गलत नहीं कर रहे हो, ये बात बाहर पता चलेगी तो लोग क्या सोचेंगे? नहीं महारानी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जब तक तुम दोनों का विवाह नहीं हो जाता तुम इसके पास नहीं आओगे। महारानी मैं जाओ यहाँ से। किंतु मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। सासू माँ भी मुझे गलत समझ रही है। तुम स्नान कर लो बेटी। ठीक है माँ। क्या हुआ, आपने देखा या नहीं? पकड़ के देखा, साथ में आया ही नहीं। ये तो राजकुमार है। राधा गजेंद्र को शक होने लगा है। चाहे कुछ भी हो जाए कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अगर प्यार सच्चा हो तो भगवान भी साथ देता है। सच है, अगर भगवान हमारे साथ ना होते तो हम दोनों कभी नहीं मिलते। क्या हुआ राधा? अरे माँ यहीं पर है। अब कुछ नहीं माँ, हाथ से फिसल कर गिर गया। माँ आप जाओ। ठीक है बेटी। है? एक दो तीन। जरा अपनी बुद्धि पर जोर डालिए, देख रहे हैं सिर्फ तीन लोग हैं यहाँ पर, मतलब एक अभी अंदर है। आप अंदर बांसुरी बजा रहे थे क्या? आज सिर्फ तीन ही यहाँ है,
चौथा कहाँ है? आपकी समस्या क्या है हमें बताइए, हम दूर कर देंगे। मेरी समस्या आप लोगों से दूर नहीं होगी, उसे दूर करने के लिए वो कहाँ है मुझे पता चलना चाहिए, पता चलते ही उसे। मुझे दांत चबाने पे मजबूर मत करो, बोलो कहाँ है? हमारे स्वामी समाधि में है। हम भी उसकी समाधि बनाने आए। आने वाली पूर्णिमा के दिन मेरा और राधा का विवाह है। इस राजमहल में महाराज की उपस्थिति के बिना राजकुमारी का विवाह करना उचित है क्या? महाराज की उपस्थिति के बिना यदि विवाह करना उचित नहीं है तो मुझे महाराज बना दीजिए, फिर तो हमारे विवाह में कोई बाधा नहीं होगी ना, क्यों राजगुरु? हाँ, राजकुमार। नहीं, महाराज की उपस्थिति के बिना इस विवाह के लिए राजकुमारी की अनुमति होगी? आपको संदेह है? तो आइए, मैं अभी आपका संदेह दूर कर देता हूँ। लगता है ये हरी हमें मरवाने वाला है। चलता हूँ, कल मिलूंगा। डेंजर, डेंजर, स्वाहा। सबसे ऊंचा मंत्र है डेंजर मंत्र। उससे क्या होता है? डेंजर स्वाहा, डेंजर स्वाहा, डेंजर स्वाहा, डेंजर स्वाहा। ये क्या कर रहे थे? रामेश्वर स्वामी ने बताया होगा ना डेंजर मंत्र के बारे में। वो सब रहने दो, तुम भी कैसे गए? स्वामी जी ने जल समाधि ली, तुमसे नहीं पूछा। राधा के कक्ष में तुम क्या कर रहे थे? ये तुम क्या कर रहे हो? राजगुरु को तलवार दिखाने का क्या अर्थ है? ये काहे का राजगुरु? राजगुरु की हत्या करने का कलंक मुझ पर ना लगे, इसलिए मुझे सच सच बताओ, मेरी राधा के कक्ष में तुम क्या कर रहे थे? पानी के अंदर अपनी प्यास बुझा दी क्या? अरे भगवान, ये क्या अन्याय है? महारानी, वो क्या है कि महाराज को वापस लाने के लिए मैं वो लाने के लिए क्या? जो महाराज से अधिक प्रेम करता है उनके पूजा करने से महाराज लौट आएंगे, इसलिए मैं राजकुमारी को तैयार कर रहा था। तैयार करो स्वाहा। स्वामी जी किसी अच्छे कार्य के लिए ही अंदर गए होंगे। सच बात जब सामने आ ही गई है तो अब इन्हें छोड़ दीजिए। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, नियम भंग करके मेरी अनुमति के बिना ये मेरी राधा के कक्ष में चला गया, ये बहुत बड़ा अपराध है। इस बात के लिए मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा। मैं जो कह रहा हूँ सभी ध्यान से सुने, महाराज के लौटने तक राजगद्दी मैं संभालूंगा। ये गद्दी पर चढ़ पाएगा तुझे क्या करना है? मेरी अनुमति के बिना ना कोई राजमहल में आएगा और ना ही कोई बाहर जाएगा। चल बाहर निकल। नहीं, इसे कह रहा हूँ, इसे कह रहा हूँ। मैं घोषणा करता हूँ, कल मेरा राज्याभिषेक होगा और उसी अवसर पर मेरा और राधा का विवाह भी होगा। अभी से सारी तैयारियाँ शुरू कर दो। मेरे राज्याभिषेक और विवाह के अवसर पर तुम भी रहोगे। सर्वश्रेष्ठ राजाधिराज महाराज गजेंद्रनाथ पधार रहे हैं। गाना बजाना शुरू किया जाए। राजा राजा वामनगढ़ के युवराजा, सुंदर शासक वीर धुरंधर विघ्न के नाशक युवराजा, बलशाली युवराजा महाबली युवराजा, ऐसा हुआ नहीं कोई राजा राजा। हो राजाओं में शेष गजेंद्र है राजा, इनकी क्या तारीफ करूं, लाखों में एक है युवराजा। वीरों के वीर है राजा, ऐसे शूरवीर है राजा, राजाओं का राजा युवराजा राजा। मेरी हर बात जुदा, मुझे जाने पूरा जहां, सूरज से लड़ जाऊंगा, ऐसा कुछ कर जाऊंगा, मुझसे जो टकराए कोई ऐसा कोई सारे जग में कहां। मेरी हर बात जुदा, मुझे जाने पूरा जहां। कहां है हमारी राजकुमारी? वो आए और नाचे गाए। लगता है आजकल हर दिन नया नया, ऐसा कभी मुझे पहले नहीं हुआ। मन में
मेरे नयन में, अब तो कुछ दिन से रहते हैं तेरे ख्वाबों के मेले। सुंदर शासक राजा मेरे मनमोहक राजा, विघ्न के नाशक बलशाली महाबलशाली युवराजा। बलशाली युवराजा महाबली युवराजा, तुमका हुआ नहीं कोई राजा राजा। मेरी हर बात जुदा, मुझे जान पूरा जहां, सूरज से लड़ जाऊंगा ऐसा कुछ कर जाऊंगा। मुझसे जो टकराए कोई ऐसा कोई सारे जग में कहां। मेरी हर बात जुदा, मुझे जान पूरा जहां। गजेंद्र, इन पिशाचों के साथ मिलकर हमारे राज्य पर राज करना चाहते हो? कहां से आया तुम में इतना साहस? महाराज, महाराज बनने के लिए मैंने ये सब नहीं किया। मैं केवल राधा से विवाह करना चाहता था। सब कह रहे थे महाराज कि बिना राजकुमारी का विवाह नहीं हो सकता, इसलिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा महाराज। ये बात है, आप जब यहाँ नहीं थे तब यहाँ बहुत सी समस्याएं आने लगी। कहीं मेरा और राधा का विवाह इन संतों के कारण रुक ना जाए, सोचकर मुझे बहुत चिंता हो रही थी। ए, कहे के संत, ये कौन है जानते हो? दूसरे देश से आए हुए पिशाच है, इस देश का नाश करने आए हुए शत्रु हैं। समझ गए? ऐसा ना कहिए महाराज, ये देवता समान है, इनकी पूजा से ही आप यहाँ पर सुरक्षित लौट पाए हैं। काहे की पूजा? इन्होंने हमें पीपे में बंद करके यहाँ संत होने का नाटक किया और हमारे विश्वास के साथ खेला। महाराज को बंदी बनाया। हम सभी को इन चारों लोगों ने मूर्ख बनाया, ये सोचकर मुझे लज्जा आ रही है। इससे भी लज्जाजनक बात क्या है पता है? ये लोग किसकी सहायता से इस राजमहल में पहुंचे हैं पता है? अब तक हम जिसे अपने देश का गौरव मानकर चल रहे थे, उसी राधा की सहायता से। आदरणीय संत महात्मा जी, तनिक झुकने का कष्ट करेंगे? झुकने के लिए क्यों कह रहे हैं? गजेंद्र जी, मामा जी, इनके ज्ञान कुबर को काट कर फेंक दो। नहीं नहीं, क्षमा कर दीजिए, वो ज्ञान कुबर नहीं है। बना बनने के लिए हमने अपने पैर बांध कर रखे हैं, देख लीजिए। द्रोही, भागो! कितना भी प्रयत्न कर लो, इस द्वीप से बाहर नहीं जा पाओगे। गजेंद्र, उन्हें पकड़ कर बांध दो। हमारी कुल देवी महाकाली के चरणों में हम इनकी बलि चढ़ाएंगे। चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। चलो चले, चलो। भागो भागो, अरे बाप रे, आज्ञा दीजिए राजकुमार, हम इन्हें यहीं मार देंगे। नहीं, इन्हें हम यहाँ नहीं मारेंगे, इन पिशाचों के हम महाकाली को बलि चढ़ाएंगे, यही महाराज का आदेश है। महाराज के आदेश अनुसार इन्हें महाकाली के मंदिर के पास ले जाकर बांध दो। इन निरपराधियों की हत्या करके सत्य की हत्या मत कीजिए। वामनपुरी पर महासंकट शीघ्र ही आने वाला है। जीवा का मशरूम सुकार।
वामनपुरी के प्रजाजनों, हमारे महाराज का अपहरण करके उन्हें बंदी बनाकर रखने वाले यही पिशाच हैं। इनके साथ और दो पिशाच आए थे जिन्हें मैंने पहले ही मार दिया था। आपके सामने खड़े ये चारों पिशाच राजकुमारी, उनकी सखियां, राज्य के सभी लोगों के साथ विश्वासघात करते रहे। इन पिशाचों ने महा अपराध किया है जो तनिक भी क्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए इन पिशाचों की हमारी इस कुल देवी महाकाली के चरणों में बलि दी जाए, यह हमारे महाराज की आज्ञा है। मेरी राधा के साथ खेलता रहा, पहले तुझे मारने से मेरे मन को शांति मिलेगी। जब तक हम यहाँ हैं, हम किसी को अपने राजगुरु की पत्नी छीनने देंगे क्या? मुझसे मेरी पत्नी छीनने का परिणाम देख लिया? यदि हम इनके हाथ लग गए तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे, हमारी हत्या कर देंगे। ये सभी नरभक्षी है, पिशाच है, सभी यहाँ से भाग जाओ। जाकर महाराज को बताओ। महाकाली, महाकाली, आदेश दीजिए महाराज। संप्रदाय अनुसार जो पूजा पाठ हो रही है उसे समाप्त होने दो, तभी इन पिशाचों को हमारे हाथों मृत्यु दंड देना महाकाली को बलि देने के समान होगा, और तभी हमारे राज्य की और प्रगति होगी। अनर्थ हो गया महाराज। क्या हो गया? बहुत सारे पिशाच आए हैं। क्या कहा? किस दिशा से आ रहे हैं? उत्तरी दिशा से? पश्चिमी दिशा से? हमने बहुत प्रयत्न किया लेकिन हम उन्हें नहीं रोक पाए। गजेंद्र, जिन्होंने स्त्री का वेश बदलकर हमें मूर्ख बनाया, वो वही पिशाच होंगे। मैंने तो पहले ही बताया था, वो पिशाच इन्हीं पिशाचों को बचाने आए होंगे, वो भी इन्हीं चारों के साथ ही होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उन पिशाचों से मैं निपट लूंगा। वीर सैनिकों, चलो मेरे साथ।
हे भगवान, सही समय पर आकर मुझे बचा लिया। उनके पास बहुत भयंकर अस्त्र शस्त्र है महाराज। एक काम करते हैं, हम उनके शस्त्र छीन कर ले आते हैं। मूर्खों की तरह बात मत करो। अगर हम वहाँ गए तो हम जीवित नहीं बचेंगे। उनका ध्यान भटका कर लाने होंगे। किंतु उनका ध्यान कैसे भटकाएं? उन्हें एक एक करके ले जाओ। आप सभी प्रजाजन के सामने इन चारों पिशाचों को हम मृत्यु दंड देते हैं। ये महाराज का आदेश है। नहीं महारानी जी, इन्हें छोड़ दीजिए। जाओ यहाँ से। इस सब का मूल कारण तुम ही हो। तुम राधा की सखी हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं। पहले तुम्हारी बलि चढ़ाते तो अच्छा होता। मुझे कोई भी दंड दीजिए, किंतु उन सबको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तुम्हें देखना होगा, इन पिशाचों के सरों को कटते हुए तुम्हें देखना होगा, और यही तुम्हारा दंड होगा। महाराज अलर्ट हो गया। वो पिशाच हमारे लोगों को मारते जा रहे हैं। हमारी स्त्रियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं महाराज। हे प्रभु। और इतना ही नहीं, उनके पास बहुत ही भयंकर अस्त्र शस्त्र है। हे भगवान, भयंकर अस्त्र शस्त्र? हाँ महाराज। हमारे और सैनिकों को साथ ले जाओ। महाराज वो अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो बंदूकें होंगी। मेरा कहना मानिए, इस तरह आप उन लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। शांत रहो महाराज, ये सब इन पिशाचों की चाल है। हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, हमारी बात का विश्वास कीजिए। हमने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए आपसे झूठ कहा था। हमें क्षमा करके आप हमें जाने भी देंगे तो हम अपने देश पहुँचेंगे या नहीं, ये भी हम नहीं जानते। हमारी जान आपको बचाने के लिए काम आए तो हमें खुशी मिलेगी। दया करके हमें जल्दी से खोल दीजिए महाराज। अपने प्राण देकर भी आप लोगों की रक्षा करेंगे। तुम्हें लगता है हम अभी तुम पर विश्वास करेंगे? अपने राज्य की रक्षा कैसे करनी हम जानते हैं। महाराज शीघ्र कुछ कीजिए, नहीं तो गजेंद्र को आप बचा नहीं पाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं, वहाँ राजकुमार के प्राण संकट में है। महाकाली, हमें अब क्या करना चाहिए? किसी तरह से राजकुमार को बचाइए। बच्चा समझकर मैं चुप रहा और तुम मुझे मारने चला था। छोड़ दे, छोड़ दे। मुझे लगता है ये गजेंद्र को मार डालेंगे। साले बटले ने अब तक हमें इतना परेशान किया, मरने दो से। नहीं, हमें इसे बचाना चाहिए, तभी हम इसकी मदद से यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। उसे बचाने के चक्कर में हमारी जान जाएगी। ए, गया। फिर भी यार, उन्हें किसी तरह बचाना ही होगा। अब तो हम बचा चुके हैं। भागो, भागो, भागो। अबे घूम मत, मेरा सर चकरा रहा है मोटे। अरे ये क्या है, कोई पाइपलाइन है?
क्या हुआ? शुक्रिया बड़े भाई, सही वक्त पर आए, बत्ती बंद कर दी उसकी। चड्डी नहीं पहनी है क्या? पहले कहता तो मैं तुझे बैठने के लिए नहीं बोलता। अरे छोड़ मुझे गुरु, इस तरह अपने राज्य पर संकट पर संकट क्यों आ रहे हैं? गंधर्व के शराब के कारण। मैंने आपसे कितनी बार कहा यज्ञ करवाने से सब कुशल होगा। यज्ञ कुंड में हम तुम्हें डाल देंगे, दोबारा यज्ञ मत कहना। लगता है राजमहल लौटने में ही हमारी भलाई है। इनमें से कुछ पिशाच वहाँ भी गए महाराज। हम अपनी तलवार लाना भूल गए, नहीं तो दो चार को हम भी मार देते। इन छह पिशाचों में से हरी सबसे अच्छा पिशाच है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था वो बुरा नहीं है, वो बहुत नेक है। राजगुरु, हाथ हटा। महाराज वो है मैं नहीं। हाथ हटा का। भागो, मैं बच गया। भागो। शैतान मुझे छोड़ दे। मुझे मत खा, उसे खा, और राजगुरु को खा जा। उसने सब कुछ खाया, तू उसे खा जा। मैं राजगुरु नहीं हूँ, भागो। ए, उसे पंगा मत ले, मैं जैकी चैन के खानदान का हूँ। इधर देख, क्या हुआ? अपने राम और श्याम। हाँ यार, अपने राम और श्याम है। छोड़ो मुझे, एक के साथ दो, शर्म नहीं आती। छोड़ो मुझे। अरे हमने तो सोचा था तुम लोग दोनों मर गए, इतने दिन तुमको कहाँ थे? शरब को मुझे छोड़ दिया और मेरी और गुरु को पकड़ लिया। साले तुझे तो पता नहीं जहाँ भी थे ठीक ही थे, लेकिन ये अगर थोड़ी देर मेरे ऊपर और रहा तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अरे तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे इसे उठा यार, साले के अंदर कितनी हवस भरी है। साले मेरी इज्जत जीत गए हम। अरे बचाओ, we'll be right back.
हम भी नीचे होते तो इस पिशाच को दिखाते। छोड़ दो हमें। देख रहे हैं हम यहाँ के महाराज हैं। पिताजी। संतोष हमें बचाओ। महाराज और राजकुमार नहीं रहे तो ये वामनपुरी राज्य अनाथ हो जाएगा। हमें बचाओ। पिताजी। हमारे राज के गंधर्व ने हमारा साथ छोड़ दिया। आज हमारे वंश का सर्वनाश हो जाता। आपने हमारी रक्षा की, आप देवता हैं। इसके बदले आप जो मांगेंगे हम देंगे। और क्या मांगेगा? राजा की बेटी का हाथ मांगेगा। सोच रहा हूँ मैं भी इसका हाथ मांग लूं। आपका मन हमसे क्या मांगना चाहता है हम जानते हैं। हमारी बेटी राधा ही ना, इसका फैसला करने का अधिकार सिर्फ गजेंद्र को है। नहीं महाराज नहीं, आप राजकुमारी को यहाँ से भेज देंगे तो इस वामनपुरी पर इससे भी बड़ा संकट आएगा। महाराज हमारे भाग्य की देवी किसी और को दान में मत दीजिए। राजकुमार आपके निर्णय पर ही हमारे वामनपुरी का भविष्य टिका है। नहीं जाने देंगे हमारी भाग्य की देवी को यहाँ से। कि यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे जन्म दिया था, तो मुझे और अपने देश को छोड़कर सुखी रह पाओगी। बेटी राधा हमें छोड़कर मत जाओ बेटी। मुझे क्षमा कर दीजिए। राधा नहीं, राधा आप सबके मन को दुखा कर मैं भी इस राज्य की संपत्ति को नहीं ले जाना चाहता। आपकी भाग्य देवी आप ही के पास रहेगी। महाराज हम इसी नाव में चले जाएंगे। घर पहुंचेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब तक मेरी सांसें चलेंगी आप सबकी याद मेरे मन में रहेगी। चलता हूं। चलना। रुक जाओ। कितना धैर्य है तुम्हें। हमारे ही देश में आकर राजकुमारी के मन को चुराकर शांति से ले जाओगे और हम तुम्हें जाने देंगे क्या? यदि मैं चाहूं तो तुम सबके टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक सकता हूं। लोगों का निर्णय तो तुमने सुन लिया, लेकिन इस राज्य की भलाई के लिए, मेरे प्रति जो लोगों का विश्वास है उसके लिए कह रहा हूं। गंधर्व के प्रेम को मिटाया इसलिए हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं भी वही भूल दोहरा के अपने लोगों पर कोई और संकट नहीं लाना चाहता। जिस दिन से राधा ने तुम्हें अपने मन में बसाया उसी दिन से वो तुम्हारी पत्नी हो गई है। गजेंद्र? केवल गजेंद्र नहीं, सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी गजेंद्रनाथ। ये लो, तुम अपनी पत्नी को यहाँ पर छोड़कर जाओ। इसकी अनुमति हम नहीं देंगे। इसे अपने साथ ले जाओ। तुम्हारी इच्छा अनुसार सब कुशल ही हुआ। अब तो खुश हो ना? ठीक है ना अरे? महाराज
माना कि हम कद में आपसे ऊंचे हैं, लेकिन त्याग की भावना से और मन से आप बहुत ऊंचे और महान हैं।